हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल रिंकी फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप सभी अच्छे होंगे, मैं अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आप बताइए कैसे हैं। तो चलिए गाइस, मॉर्निंग ब्लॉग अपना स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, आज दिन है मंडे का और मैं जाने वाली हूँ कहीं, बट पहले जो अपना घर को अच्छा सुंदर सा बना के जाना चाहिए ना। तो गाइस, मैंने भी जो है खाना पीना सारा रेडी करके तब जाऊंगी। और गाइस, अगर मैं 5 बजे उठती हूँ ना, तभी पूरा घर का काम फिनिश कर पाती हूँ, तब मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ। तो मेरी बेटी कुछ हेल्प कर रही है मेरी। तो मैं जैसे बोल रही थी ना आपको, गाइस मैं 5 बजे उठ गई थी, और अगर 5 बजे मैं उठ जाती हूँ ना, तभी काम पूरा फिनिश कर पाती हूँ। और आपको पता है कि आजकल टाइम एकदम जल्दी हो जाता है। 5 बजे हम उठते हैं तो धीरे 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 हम मतलब फ्रेश भी होते हैं और ब्रश वगैरह करते हैं, तो टाइम लग जाता है। धीरे धीरे 5:30 मुझे हो जाता है, तब जाके मैं किचन में मतलब वही है अपना रेडी हो, मतलब बच्चों के लिए करती हूँ नाश्ता पानी जो भी बनाती हूँ, और साथ में खाना भी बना लेती हूँ। तो बस मैंने आज खाने में गई आलू की सब्ज़ी और सिर्फ पूड़ी बनाई थी और कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि घर में दोनों भाई थे और आजकल श्राद्ध भी हमारे यहाँ निकाले जाते हैं ना, तो पहला जो रोटी है या पराठा कुछ भी घर में बनता है, पहले ना हमारे यहाँ श्राद्ध के लिए निकाला जाता है। तो मैंने आज कुछ वैसे इतना नहीं किया था, सिर्फ मैंने चीनी का पराठा ही निकाल दिया था। बोलते कि रोज़ अगर जैसे कि नहीं खाना जब बनता है तो कुछ मीठा करके रख देते हैं, तो चिड़िया भी खा लेती हैं। और जैसे यहाँ पर जो काले कौवे होते हैं ना गाइज, वो तो मैंने आज तक उत्तराखंड में देखे नहीं है, बट गांव में बहुत मिलते हैं। तो बस आ गई थी मैं अपना गाइज पूरा घर का क्लीन करके, और नींद भी काफ़ी है आज, आँखों में मेरी गाइज बहुत, आप देख सकते हैं रेड रेड आँखें हो रही हैं। तो बस फिर से मैं गाइज घर में आ गई हूँ। मतलब हस्बैंड ने मुझ मतलब पैसे रह गए थे घर में, बस वही मैं भूल गई थी लेना, क्योंकि पर्स मैंने सोचा क्या ले जाके करूँगी, शाम को तो वापस आना ही है, तो बस और रख के भूल गई थी मैं। एक्चुअली क्या गाइज, मेरे माइंड में ना यही प्रॉब्लम है कि मैं ना चीज़ रख के भूल जाती हूँ। तो बस वही पैसे लेके मतलब दिए हैं, और तो चल दिए गाइज अभी हम। तो यहाँ पर शांति कुंज मतलब हरिद्वार में पड़ता है ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे हरिद्वार में, एकदम शांति मिलती है, बहुत अच्छी लगती है। और कौन कौन गर्मी में हरिद्वार घूमना है फ्रेंड्स, ज़रूर कमेंट में बताना, और प्लीज़ अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखिएगा। और अगर आप मेरे सपोर्ट बनाए रखेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो मैं कुछ कर पाऊँगी। पता नहीं गाइज कुछ बोल देती हूँ तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, क्योंकि अभी थोड़ा मुझे मतलब बोलने में प्रॉब्लम रहती है। तो फुल कोशिश करती हूँ आपके लिए अच्छे से अच्छा ब्लॉग लाने की, फुल मेहनत करती हूँ, बट रिस्पांस थोड़ा ठीक मिल रहा है अभी, तो मतलब अच्छा लगता है जब रिस्पांस मिलता है ना, तो मतलब हौसला बढ़ता है। और मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे अच्छे सब ने मेरा हौसला बनाया कि रिंकी नहीं, चैनल को छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, आप बस लगे रहो। तो अभी गाइज मैं जा रही हूँ किरतपुर, मतलब बिजनौर, पहले भी गई थी मैंने जैसे आपको बताया था। तो कुछ ऐसी बातें होती है ना, फैमिली वाले बोलते हैं कि सारी बातें शेयर करती हो, तो देखिए मेरा ब्लॉगिंग चैनल है तो मैं तो अपनी बातें शेयर करूँगी। तो कुछ जो जहाँ मैं जाती हूँ वो, बट थोड़ा आई एम सॉरी गाइज ये नहीं बता पाऊँगी कभी, हाँ आपको ज़रूर बताऊँगी जब थोड़ा मतलब फिर फैमिली वालों की डांट खानी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगता फिर, मतलब थोड़ी प्राइवेट बातें थोड़ी सी रखनी चाहिए है ना, तो फिर मतलब फैमिली वालों की डांट इतनी पड़ेगी कि रिंकी को रोना आएगा फिर। तो चलिए गाइज यहाँ पर चलते हैं, और देखिए गांव का नज़ारा तो मुझे अच्छा लगता है, ऐसा लगता है मुझे कि बस ना वहाँ पे ना अपनी जाके फीलिंग आती है, मतलब कि जैसे कि मम्मी के घर में एकदम खुल के रहते थे ना, खुल के अपने मतलब हस्बैंड के यहाँ भी रहती हूँ, अच्छे से जो मर्जी मतलब वो खुल के आ जाती करो, अच्छे हैं हस्बैंड मेरे। और देखिएगा ये पेड़ ना इतने अच्छे लग रहे थे मुझे, एकदम गोल गोल कटिंग के, बहुत से गांव में होते हैं ना, और ये बकैन है शायद, बकैन का पेड़ होता है ना, आप बताइए इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत अच्छा मतलब लग रहा था मुझे, तो यहाँ ना, और ये देखिएगा, और गैस, और ये है चंदक की रेल पटरी का रेलवे स्टेशन, बट दूर है यहाँ से, तो मैंने कहा चलिए ये भी शेयर करते हैं। तो चंदक मैं कभी गई नहीं हूँ, यूपी में पहली बार, मतलब हस्बैंड पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाते हैं, तो मतलब जो रास्ते नहीं देखे मैंने वो हस्बैंड मुझे दिखाते हैं। कहते हैं ना कि हर चीज़ माँ बाप ही शौक कराते हैं, ऐसा नहीं है, हस्बैंड भी अच्छे होने चाहिए, जो माँ बाप नहीं करा सकते ना वो हस्बैंड करा सकते हैं शौक। और आपको यकीन नहीं आएगा, दूसरा साल चल रहा है मुझे यूट्यूब पे आए, और हस्बैंड ने मुझे 3 फ़ोन अच्छे अच्छे दिला दिए हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि माँ बाप ही मतलब बेटी का शौक कराते हैं, हस्बैंड भी कराते हैं,
और तो यहाँ पर हम लोग आए थे चंदक में, यहाँ पर कोई होटल था शायद साइड में, तो आंटी जी अंकल जी थे हमारे साथ में और अभी हम आए हैं यहाँ पर। और आपको पता है ना कभी कि मैं कभी भी ना इतने बड़े रेस्टोरेंट में नहीं, मतलब खाना पीना तो मैं कहीं खाती नहीं हूँ। हाँ बस ये है कि छोटा मोटा अगर कहीं दिख जाता है तो अच्छा जो होता है साफ़ सुथरा तो वहाँ हम खा लेते हैं, बाकी समोसे से अलावा कुछ नहीं खाते हैं। और जैसे कि ये हो गया ठंडा वगैरह हो गया तो ये बस यही खा लेते हैं, ये देखिएगा। और अभी भी लोगों के यहाँ ना देखिए विकास नहीं है, मुझे बस देख के ये दुख आता है, देखिएगा आप। तो बस अभी हम यहाँ पर आश्रम में आए थे, फिर हम चल दिए यहाँ से, तो ये भैया ना गाड़ी हटा रहे हैं। तो बस हम नजीबाबाद में आए थे तो मुझे ना हस्बैंड ने यहीं पर जो था समोसे चाट की प्लेट यहीं पर दे दी थी, मैंने मैं यहीं का खाऊंगी बैठ के। और बस हम आ गए थे यहाँ हरिद्वार में, गए देखिएगा। तो मेरा तो गाइस अभी हम आ गए हरिद्वार में, तो देख लीजिए आप भी भोलेनाथ जी के दर्शन कर लीजिएगा। तो थोड़ी सी क्लिप ली थी मैंने, चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना गाइस।